भागलपुर से एक अनोखा और पर्यावरण हितैषी जजमेंट सामने आया है, जहां 2007 में अपनी शादीशुदा साली को भगाने के आरोप में 17 साल बाद आरोपी को भागलपुर व्यवहार न्यायालय में जज बीबी गुप्ता ने एक विशेष शर्त के साथ बरी किया। जज ने आरोपी को सामाजिक जिम्मेदारी के तहत पहले 25 पेड़ लगाने का आदेश दिया और उसकी रिपोर्ट स्थानीय थाना और पुलिस के माध्यम से कोर्ट में पेश करने को कहा। इसके बाद ही मामले की अंतिम सुनवाई की गई। दरअसल पूरा मामला भागलपुर जिले के सनोखर थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी को 9 महीने की जेल की सजा भुगतने के बाद जज साहब ने इस शर्त के साथ आरोप मुक्त कर दिया। भागलपुर के वरिष्ठ वकील सत्यजीत सहाय ने इस जजमेंट को समाज के लिए क्रांतिकारी फैसला बताया और कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में जल जीवन हरियाली और एक पेड़ माँ के नाम जैसी योजनाओं के साथ अदालत का यह फैसला पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से सराहनीय है। वहीं इस फैसले को न केवल एक अनोखी सजा के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि इसे समाज के लिए एक प्रेरणादायक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। ये मामला सनोखर थाने का है, ये वर्ष 2007 का मामला है। इसमें ये था कि जीजा और साली का संबंध का था, जीजा ने साली को लेके भाग गए थे और उसके बाद ये 2007 से लंबित है और अभी तक चल रहा था। और इसमें एक जजमेंट आया है आज, सजा के बिंदु पे पहले भी सुनवाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक शर्त रखा गया था कि जब तक 25 पेड़ नहीं लगाएंगे और उसका रख रखाव करने के बाद रिपोर्ट आने के बाद ही सजा पे सुनवाई होगी। और जब सारा रिपोर्ट आया तो सजा पे सुनवाई हुई, जो भी सजा उन्होंने जो भी जेल का रहा था वो उसका समायोजन कर लिया गया और उनको रिहा कर दिया गया। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत क्रांतिकारी ये है जजमेंट है। आप देख रहे होंगे कि बिहार सरकार भी जल जीवन हरियाली पे पूरा फोकस है उसका, और अभी एक माँ एक पेड़ और भागलपुर जैसी जगह में धरहरा में जहाँ बेटी होती है वहाँ पेड़ लगाने का एक परंपरा है, तो उसी कड़ी में अगर न्यायालय भी इस तरह का जो सजा निर्धारित कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जनहित में और समाज के लिए बहुत अच्छी बात है और पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी बात है। भागलपुर स्टेशन चौक पर रविवार को राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले एक दिवसीय धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह धरना उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण विरोधी निर्णय और एनडीए सरकार द्वारा संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करने की कथित साजिश के विरोध में किया गया। दरअसल इस प्रदर्शन में राजद कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और अपने विरोध को प्रकट किया। धरने का नेतृत्व जिला राजद अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव और बिहार श्रम आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ चक्रपाणी हिमांशु ने किया। जिलाध्यक्ष ने उच्चतम न्यायालय के आरक्षण विरोधी निर्णय को वापस लेने की मांग की और संविधान में जाति आधारित जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी के सिद्धांत को लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आबादी के अनुपात में 65% आरक्षण की मांग की थी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया, जो असंवैधानिक है। वहीं धरने में महंगाई और अन्य जनहित के मुद्दे पर भी चर्चा की गई और राजद कार्यकर्ताओं ने सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखी। प्रदर्शन के दौरान राजद ने अपनी मांगों को मजबूती से उठाया और सरकार से इन मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई की अपील की। भागलपुर की राजनीति इन दिनों काफी गर्म है। हालांकि ना तो लोकसभा चुनाव है और ना ही विधानसभा चुनाव, फिर भी राजनीतिक तापमान चरम पर है। जदयू के दो बड़े नेता गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल और भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय मंडल आपस में जुबानी जंग में उलझ गए हैं। दोनों के बीच बयानबाजी का दौर चल रहा है, जिसमें गंभीर आरोप और व्यक्तिगत टिप्पणियां शामिल है। विधायक गोपाल मंडल ने हाल ही में एक प्रेस वार्ता के दौरान सांसद अजय मंडल पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि अजय मंडल पहले अफीम की खेती करते थे और 5-5 किलोमीटर तक बिजली के तार चोरी करके बेचते थे। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि अजय मंडल रात में रेल पटरी के पास
पड़े लोहे की चोरी करके बेचते थे और देसी शराब बनाकर वसूली करते थे। गोपाल मंडल ने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है और उन्होंने विधानसभा में शपथ ली थी कि ना पियेंगे ना पीने देंगे, लेकिन अजय मंडल झारखंड से शराब मंगा कर पीते हैं। बता दें कि इससे पहले गोपाल मंडल ने एक कार्यक्रम में सांसद अजय मंडल को काला नाग और पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को गोरा नाग कहकर संबोधित किया था। इसका जवाब देते हुए अजय मंडल ने गोपाल मंडल पर झारखंड से पानी लाकर सेवन करने का आरोप लगाया और उनके बयानबाजी पर उनके पूर्वजों पर भी तंज कसा। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच भागलपुर की राजनीतिक स्थिति लगातार गर्मा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह जुबानी जंग आगे क्या मोड़ लेती है और इसका असर क्षेत्र की राजनीति पर किस प्रकार पड़ता है। नहीं नहीं बतवाइए, हम तो कसम खाए भाई, ना पीने देंगे ना पिए। तो फिर झारखंड का पानी कहां, पूर्ण रूप से बिहार बंद है तो सांसद तो यहाँ दारू लाता। और एक बात सुन लीजिए, भूल गए थे, वो खुद अपने जमीन में ट्रैक्टर टेलर पर दारू पैदा करते थे, पॉलिथीन बना के बेचते थे, हफीम का खेती करते थे, कोरिया धागा का काम करता था। और उन्होंने यहाँ तक कि हम मुख्यमंत्री को बोले, जब लालू जी के साथ आप थे मुख्यमंत्री जी, लाइन नहीं रहता, 5-5 किलोमीटर तक तारे काट के बेच लेता था। और जहाँ जो पटरी सब जो रहता है जिस पर गाड़ी चलती है, कहीं स्टेशन के निकट पड़ा हुआ है तो रात में उसको कटिंग करके और उठा के लोड करके उसको गला के बेचता। किस समय की बात बोल रहे हैं? ये सांसद बनने के पहले, सांसद बनने पर इनका विधायक रहते हुए, हाँ विधायक पहले, विधायक हाँ पहले पहले विधायक के पहले की बात है, विधायक बनने के बाद भी गलत करते रहा। जब सांसद बने वो तो उन्होंने इतना किया, ओवरलोड गाड़ी चलवाने का काम किया, पासिंग का काम करते थे, वो अभी भी ये सब काम करते। क्या लगता है इसी वजह से आपके बारे में ऐसा बोला गया उनके द्वारा कि आप भी वसूली का आरोप लगाए थे उनके ऊपर? हाँ तो हम लगे करते हैं, हम तो सही बात बोलते हैं, ये सब बात है। वो उनमें मतलब दुनिया भर गलती भरा हुआ है और दूसरे को गलत कहते हैं, अरे वो पिए नहीं, ये हम देख रहे कोई जाता है, शराब बंदी है, शराब लाएगा यहाँ का, तो वो तो दारू खुद बनाते थे ना, पॉलीथीन बना के बेचते थे, तो जो पॉलीथीन बना के बेचेगा तो क्या दारू को सूंघेगा? धंधा उनका है और उनके कुल खानदान ने ऐसा करते आया, पिताजी से लेके भाई जो भी रिलेशन के भगना भगनी सबने काम कर। 5 सितंबर को पटना में शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार ने भागलपुर का दौरा किया। उन्होंने लोदीपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में पटना पहुँचने की अपील की। सुबोध यादव ने शहीद जगदेव प्रसाद के बलिदान को याद करते हुए उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि इस कार्यक्रम में भाग लेना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए 5 सितंबर 1974 को अमर शहीद जगदेव बाबू वीर गति को प्राप्त हुए थे और वो किसान को मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उसी बीच में दमनकारी और सामंतवादी लोगों ने उनकी हत्या कर दी। आज 50वां शहादत दिवस के रूप में हम लोग अमर शहीद जगदेव बाबू का जो हत्या हुआ है उसको लेकर हम लोग उनको मूल्यों को याद करने के लिए पटना में हम लोग कार्यक्रम आयोजित किए हैं, संगोष्ठी आयोजित किए हैं लोकतंत्र और संविधान के ऊपर। इसी के क्रम में हमारी जितनी भी टीम है राष्ट्रीय जनता दल की बिहार के अनेक जिलों में वहाँ घूम रही है। इसी क्रम में आज मैं यहाँ भागलपुर आया हूँ। भागलपुर की महान जनता, सारे हमारे क्रांतिकारी साथीगण हैं जो जगदेव के मानने वाले लोग हैं, इन सभी लोगों को राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से आमंत्रण करने के लिए आज हम भागलपुर आए हुए हैं। भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ भागलपुर अंचल द्वारा प्रशासनिक कार्यालय भागलपुर में रविवार को एक सभा का
आयोजन किया गया। इस सभा में संघ के पूर्व आंचलिक सचिव कॉमरेड अरुण कुमार सिंह की सेवानिवृत्ति पर उन्हें विदाई दी गई। इस अवसर पर कॉमरेड अरुण कुमार सिंह के कार्यकाल में बैंक और संघ के उत्थान में दिए गए अभूतपूर्ण योगदान के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में स्टेट बैंक अधिकारी संघ पटना मंडल के अध्यक्ष कॉमरेड अरिजीत बोस और महासचिव कॉमरेड अमरेश विक्रमादित्य ने अपने विचार साझा किए। भागलपुर अंचल के अध्यक्ष कॉमरेड रविशंकर और सचिव कॉमरेड वसंत कुमार झा ने सभी उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद व्यक्त किया और संघ के प्रति अपनी सक्रियता बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस बैठक में भागलपुर अंचल के विभिन्न क्षेत्रों से कई उच्च अधिकारी शामिल हुए और संघ के भावी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान काफी संख्या में स्टेट बैंक के कर्मी और अधिकारी उपस्थित रहे। आज बेसिकली हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर की लोकेशन भागलपुर जोन के पूर्व सहायक महासचिव अरुण कुमार सिंह साहब का सम्मान समारोह कल 21 अगस्त 2000 की सेवानिवृत्ति हुई है बैंक से। साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की ये मीटिंग बराबर होते रहती है। हम अपने मेंबर्स के बीच में जाकर उनके रूबरू होते हैं। हमारा त्रैमासिक चुनाव 22 सितंबर को होने वाला, उस संबंध में भी हम लोग अपनी टीम का प्रचार करने के लिए विभिन्न सेंटर्स में उसकी मीटिंग का आयोजन करते हैं और हमारी जो उपलब्धियां हैं। भागलपुर नाथनगर प्रखंड स्थित दिग्गी चौक के समीप शंकर गैस एजेंसी के बगल में एक मवेशी का मरा हुआ शव फेंका गया है, जिससे वहां से गुजरने वाले राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यह मार्ग राघोपुर और कबीरपुर होते हुए भागलपुर को जोड़ता है और यहां यातायात का दबाव भी अधिक रहता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस स्थिति के कारण न केवल राहगीर असहज महसूस कर रहे हैं बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। सबके सड़ने से वातावरण में दुर्गंध फैल रही है, जिससे संक्रमण और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि वे इस मामले में जल्द कार्रवाई करें और सबको हटाकर उचित सफाई और व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे राहगीरों को इस परेशानी से जल्द राहत मिल सके। नाथनगर प्रखंड से निकलने के बाद दिग्गी चौक आते हैं। दिग्गी चौक से गैस गोदाम की ओर जो रास्ता जो है कबीरपुर की ओर जाती है, इसी बीच में गैस गोदाम के पास बहुत गंदगी रहता है। उसके बाद नूरपुर पंचायत के अंतर्गत है। नूरपुर पंचायत के अंतर्गत है जी। अच्छा, बहुत गंदगी होता है। बहुत गंदगी, आने जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भागलपुर के आदमपुर चौक स्थित एक निजी विवाह भवन में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के वरीय प्रबंधक सुनील कुमार सिंह को भावभीनी विदाई दी गई। बता दें कि सुनील कुमार सिंह मूल रूप से भागलपुर निवासी थे, जिन्होंने बैंक में अपने अधिकांश समय मुंगेर में वरीय प्रबंधक के पद पर कार्य करते हुए बिताया। उन्होंने नीलाम पदाधिकारी के रूप में उत्कृष्ट सेवाएं दी। सुनील कुमार सिंह 1990 से बैंक से जुड़े और तब से अपने कर्तव्यों का समर्पण और लगन के साथ निर्वहन किया। उनके मृदुभाषी और सहयोगी स्वभाव के कारण वे अपने सहकर्मियों के बीच बेहद लोकप्रिय रहे। विदाई समारोह में क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक पुरुषोत्तम कुमार घोष ने सुनील कुमार सिंह को बूके, अंगवस्त्र और उपहार समेत अन्य वस्तुएं देकर सम्मानित किया।